हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास का जितना भी पार्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, वो मेरे ख्याल से आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। चीजें समझ में भी आई हैं आप लोगों को? हाँ, मैंने कमेंट्स देख लिए आप लोगों के। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, लेक्चर टू स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कल हम लोगों ने आइडेंटिटीज तक पढ़ा हुआ था और मेरे ख्याल से आइडेंटिटीज पे हमने क्वेश्चंस भी कर ही लिए थे। चीजें हमें बहुत क्लियर हो गई थी कि किसी इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो अभी आप नेक्स्ट हेडिंग में लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ओके। तो हमने ये हेडिंग भी लिख दी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम लोग अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहां मैंने ए बी सी को रियल माना है। ठीक है, तो ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। यहां पे हमें पता है कि ए बी सी ये क्या है, कोफिशियंट्स है। ठीक है, रियल कोफिशियंट्स है। और अगर हम अपनी इस इक्वेशन के रूट्स कुछ अल्फा और बीटा लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अल्फा और बीटा हमारे रूट्स हैं इक्वेशन के। तो देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिलेशन बनाने के लिए हम लोगों ने जो क्लास 10th में या 9th में फैक्टर थ्योरम पढ़ी हुई थी, अब उसका यूज आएगा वो सब। हाँ, वो सब चीजें आपको याद ही है। ठीक है, ओके। तो देखो, हम लोगों ने लिखा देन बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा बी द फैक्टर्स। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम इस एलएचएस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एलएचएस वाले एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एएक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल लीडिंग कोफिशियंट ए टाइम्स, और ये दोनों फैक्टर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में अब लिख सकते हैं फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो लीडिंग कोफिशियंट है उससे अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया डिवाइड बाई ए बोथ साइड अगर इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं, तो एलएचएस में देखो इतना एक्सप्रेशन आपको दिखने लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी बाई ए इंटू एक्स प्लस ऑफ सी बाई ए। और आरएचएस में ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये दोनों फैक्टर्स बचेंगे। तो अगर हम इन फैक्टर्स को आपस में प्रोडक्ट करके लिख लें, या चलो या भी ऐसे ही फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं, ए कैंसिल आउट हो गया और आपके पास इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट बचा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आरएचएस में ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो आपके पास ये दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिख रहा है एलएचएस, तो एज इट इज हमने नोट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस ऑफ सी बाई। ठीक है,
आसान सा था बिल्कुल ये। हमने बस इतना किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने जो रूट्स लिए हुए थे अल्फा एंड बीटा, तो अगर वो रूट्स है तो बाई फैक्टर थ्योरम हम लोग ये बोलते हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या हो जाएंगे, इसके लिए फैक्टर हो जाएंगे। तो हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको इक्वेट कर दिया है a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के। देन हमने बोथ साइड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है लीडिंग कोफिशियंट a से, और हमारे पास लास्ट में ये कुछ इस तरह का रिलेशन दिख रहा है। जैसे ये रिलेशन दिखता है देन बस अब हमें करना क्या है कि दोनों ही साइड के जो कोफिशियंट्स है उन्हें कंपेयर करना है, कोफिशियंट ऑफ x कंपेयर करना है एंड कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करना है, ठीक है। देन हमारे पास रिलेशंस आ जाएंगे जो हम निकालना चाहते थे, ठीक है। ओके, मैं ऊपर से पार्ट हटा दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सारे रिलेशन तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यही बनता है, रिलेशन का मीनिंग वही है। हाँ, वो आपको 10th क्लास में पढ़ाया ही जाता है, पता ही था, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये लिख लेते हैं, बाई कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। इनको कंपेयर कर रहे हैं तो अपने पास देखो रिलेशन दिखेगा कुछ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। तो अल्फा बीटा क्या थे, रूट्स थे, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। तो इसको आप बोलते हैं ये सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स को आप ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, माइनस टाइम्स न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है कोफिशियंट ऑफ एक्स, और होल डिविजन में आप लिखते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया। अब अगर हमें कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करके अगर हम देखते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपको मिल गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, न्यूमरेटर में है हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म, न्यूमरेटर में है कॉन्स्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर में है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिक से रिलेशन होते हैं हमारे सम ऑफ रूट्स और इक्वेशन के रूट्स और उनके कोफिशियंट्स में, ठीक है। तो जिनको हम नाम लेके बता रहे हैं कि ये सम ऑफ रूट्स है एंड सेकंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज और अब हम यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे सम और प्रोडक्ट निकाला है उसी तरह से हम लोग डिफरेंस ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एज अ स्टैंडर्ड इसे याद भी रख सकते हैं, कई बार इसका यूज भी आएगा, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं उसमें ये टर्म रहता भी है डिफरेंस ऑफ रूट, तो आप डायरेक्टली याद करके उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आसान सी बात है, जैसे हमने सम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो अब रूट्स का डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स के मीनिंग है, तो आप इसे क्यों लिख ले रहे हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। तो देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स को हम कुछ यू अल्फा माइनस बीटा से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अब ये अल्फा और बीटा में कौन सा बड़ा है ये हमें नहीं पता था, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस पे लगा देते हैं मॉन, ठीक है। तो जो भी अब बड़ा होगा वो उससे एडजस्ट कर लेगा,
ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स हमारे पास है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मॉड वगैरह हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ रखा है, हमें बहुत क्लियर है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये सब चीजें हम लोगों ने मॉड में पढ़ी थी, ठीक है, ये सारी कंडीशंस। अब हम इसको नेक्स्ट टर्म पे लिखेंगे, जो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है वो एग्जैक्टली इक्वल है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रिलेशंस है, ठीक है, तो हम इन रिलेशंस की वैल्यू को रख देते हैं यहां पे। तो अभी आपने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस ऑफ बी बाई ए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए, ठीक है। अब बस थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं तो आपको रूट के अंदर ये एक्सप्रेशन दिखने लगेगा, रूट के अंदर दिखेगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी और होल डिवीजन में आपको दिख रहा है कितना ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें ये पहले से पता था कि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला टर्म है इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, इसको बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी, ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो बस हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि यहां पे रख दे रहे हैं बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी की जगह कैपिटल डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, इसे रूट के बाहर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये रिलेशन आ गया डिफरेंस ऑफ रूट्स के लिए, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे डिफरेंस ऑफ रूट्स, ओके। तो अब आपके पास ये तीन बेसिक से रिलेशन है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको आपके पास एज अ रिजल्ट आया है अंडर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड ए, डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, ओके। हाँ कोई नहीं, आप नोट करिए, बाकी तो आपको पता ही कि आपके पास जितना भी जो भी क्लासेस है वो सारे ही रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, हाँ सारे अवेलेबल है, जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स में या फिर कोई एक्स्ट्रा डाउट सेशन लाइव वाला होता है वो सारा ही आपके प्लेटफॉर्म पे, हाँ लाइब्रेरी में आपको सारा कुछ मिलेगा, हर क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोज आपके पास होंगे, आप प्रॉपर उन्हें देख सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं कि आप इस समय नोट करते समय आप मुझे बोल सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं बराबर देखता रहता हूं, ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, देन अभी फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, एक टर्म और लिख लेते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर करते हैं इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या होगा कि हमें रूट्स गिवन होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, ठीक है। तो एज अ स्टैंडर्ड हमको पता है, ठीक है, पहले से लोगों ने पढ़ रखा है इसे, फिर भी मैं एक बार लिखा दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे, कि अगर हमारे पास कुछ अल्फा एंड बीटा बी द
रूट्स ऑफ इक्वेशन देन इट इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो. तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके हमें रूट्स पता है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ये कुछ भी नया नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अभी जस्ट इससे पहले जब हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट लिख रहे थे तो हमारे पास ये रिलेशन बना हुआ था RHS में, ठीक है, ओके. हाँ हाँ, तो बस आपको यही करना है कि जब भी आपको, हाँ सिंपल, कोई भी अल्फा बीटा रूट्स है ये तो नाम है, आपको बस रिलेशन ये याद रखना है कि अगर आपको कोई भी दो रूट्स पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, उन दोनों रूट्स का सम कर देना है, और इंटू एक्स प्लस दोनों ही रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, और उस पूरे रिलेशन को जीरो के इक्वेट कर देना है. तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है, ओके. तो ये दोनों टर्म हो गए हमारे पास, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इन दोनों ही कॉन्सेप्ट पे. हाँ बिल्कुल, पूछे जाते हैं क्वेश्चन मेंस में, तो पूछे ही जाते हैं. ठीक है, लिखिए क्वेश्चन आप. फाइंड कंडीशन फॉर विच, क्वेश्चन है आपका फाइंड कंडीशन फॉर विच फाइंड कंडीशन फॉर विच इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज रूट्स alpha and alpha square, ठीक है. आपको कंडीशन बतानी है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स alpha और alpha square है, यानी एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, ठीक है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तब आपको कंडीशन बतानी है, ठीक है, कंडीशन बतानी ऑन एबीसी. ठीक, फाइंड कंडीशन फॉर विच इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज रूट्स अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर. ठीक है, लिख भी देते हैं कंडीशन ऑन एबीसी बतानी है. कंडीशन ऑन ए बी सी कोफिशिएंट्स में, ठीक है. तो सॉल्यूशन में आपने बस सिंपली किया, आसान है, समझ में आ ही रहा होगा कैसे करना है. आपको देखो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना आता है, तो आपने क्या किया, सम ऑफ रूट लिखा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है. हाँ, इस रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है. बहुत सारे तरीके हैं सॉल्यूशन करने के, ठीक है. सेकेंड पॉइंट आपने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं सिंपली कितना, अल्फा क्यूब इक्वल सी बाई ए. या तो आप इन दोनों रिलेशंस को यूज कर लो, या फिर हम एक काम ये कर सकते हैं
कि अगर हमारे पास ये अल्फा क्यूब इक्वल सी बाई ए है तो हम यहां से अल्फा निकाल सकते हैं कितना, सी बाई ए होल पावर 1/3। ठीक है, ये रिलेशन टू, अगर ऐसा कुछ रिलेशन टू लिख रहे हैं तो देखो अब हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं किस तरह से, कि अगर हमें गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर बोले गए हैं तो हमारे पास अभी अल्फा रूट वाली वैल्यू है, तो अगर अल्फा रूट है तो इसको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, ओके, तो हम अब डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर देते हैं कहां पे, इस इक्वेशन में। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक काम और कर सकते हैं कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम बोथ साइड ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बस कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, जो पहला रिलेशन है उसको भी यूज करके हम इसे कंडीशन फाइनल लिख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं और मीन्स जैसे किसी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हाँ, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पे डिपेंड। ठीक है, ओके, तो अभी मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ठीक है, अगर इसमें मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाई ए, ठीक है, ए से डिवाइड कर दिया, देन अब हमें ये दिखेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी बाई ए इंटू एक्स प्लस ऑफ सी बाई ए एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अब अगर हम यहां पे पुट कर देते हैं अल्फा की वैल्यू, पुट अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होल पावर 1/3। ठीक है, तो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अब आपको दिखेगा सी बाई ए होल पावर एक्स स्क्वायर था ये, तो होल पावर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस ऑफ सी बाई ए। मैंने क्या किया, इस b बाई ए इंटू एक्स वाले टर्म को RHS साइड पे लेके आया, तो माइनस b बाई ए टाइम्स x की जगह आपने लिख दिया c बाई ए और होल पावर 1/3। ठीक है, ओके, अच्छा नहीं, वहीं रख सकते थे, हाँ वहीं रख सकते थे, कैलकुलेशन वहां से ज्यादा आसान होता। ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दे रहे। या ऐसा भी लिख रहे हैं, देखो एबीसी भी कंडीशन बनानी है, हम कितना भी सिंप्लीफाई करके उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, ये यहां पे हमने वैल्यू पुट करी है। ठीक है, अभी कुछ जो रिलेशन हमें दिख रहा है वो इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम यहां पे क्या कर देते हैं, क्यूबिक कर देते हैं बोथ साइड, ऐसा ही सॉल्व करते हैं, क्यूबिक बोथ साइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे आपके पास आएगा c बाई ए होल पावर 2/3 प्लस ऑफ c बाई ए और इस पूरे का होल क्यूब। ठीक है, राइट साइड में आपके पास आएगा माइनस टाइम्स b क्यूब बाई ए क्यूब और इंटू ये 3/3, यानी सिंपल बचेगा c बाई ए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कितना, माइनस बी क्यूब इंटू सी अपॉन ए टू द पावर 4, इतना बचा है रिलेशन। और LHS साइड पे आप देखो a प्लस बी होल क्यूब जैसा हमें दिख रहा है, तो a प्लस बी होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब, a क्यूब का मतलब है c बाई ए 2/3, c बाई ए की पावर 2/3 का क्यूब, तो सिंपली बचेगा c बाई ए होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा c क्यूब अपॉन a क्यूब,
प्लस ऑफ थ्री टाइम्स एबी, एबी का मतलब कितना, सी बाई ए पावर टू बाई थ्री इंटू सी बाई ए और ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो सी बाई ए पावर टू बाई थ्री प्लस ऑफ सी बाई ए, ठीक है। और आरएचएस पे तो आपके पास लिखा हुआ है बी क्यूब इंटू सी अपॉन ए टू दी पावर फोर। सिंपल कैलकुलेशन है, एलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाइए कौन सी, एलएचएस साइड पे ए प्लस बी होल क्यूब वाले, ठीक है। अब बस आपको इसे सिंप्लीफाई करते जाना है, ठीक है, जितना भी आप कर सकते हैं। तो एक आपके पास आसान सी कोई कंडीशन दिखने लगेगी, जैसे अगर मैं इसे यहां पे कुछ ऐसा लिख देता हूं, एक स्टेप और लिखते हैं अभी, सी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस ऑफ सी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस, यहां पे देखो ये दोनों टर्म आपस में प्रोडक्ट होके कितना, यहां पे पावर टू बाई थ्री है, ये पावर कितनी है वन बाई थ्री सॉरी वन, ठीक है, यहां पे पावर वन है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ओके हाँ तब ज्यादा आसान होता, ठीक है। आप देखो एक ये जो एक्सप्रेशन लिखा है अपने पास, इसकी जगह पे तो कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इंटू सी बाई ए की पावर वन बाई थ्री, तो ये मैंने लिख दिया, यहां पे हो जाएगा मेरे पास थ्री टाइम्स सी बाई ए, ठीक है। अगर इन दोनों पावर्स को भी चलो फिलहाल ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, या फिर नहीं करते अभी रख देते हैं ऐसे ही, टू बाई थ्री इंटू सी बाई ए, और प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह, इस पूरे की जगह लिख दिया माइनस ऑफ बी बाई ए टाइम्स माइनस ऑफ बी बाई ए टाइम्स सी बाई ए पावर वन बाई थ्री, ठीक है। और आरएचएस में है माइनस बी क्यूब बाई सी, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया, अगर हम अदर स्टेप से जाते तो शायद जल्दी हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो देखो अब आपको ये वाला एक्सप्रेशन नोटिस करना है इतना, ठीक है, c बाई ए की पावर टू बाई थ्री और ये c बाई ए की पावर वन बाई थ्री, ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा थ्री बाई थ्री, यानी c बाई ए सिर्फ बचेगा। तो आप इसी एक्सप्रेशन को मैं पहले लिख देता हूं कि ये c बाई ए, ये दोनों मिलके एक ये वाला टर्म और दूसरा ये, ठीक है, टू बाई थ्री पावर है, यहाँ पे वन बाई थ्री पावर है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी थ्री बाई थ्री, यानी सी बाई ए बचेगा, एक सी बाई ए ऑलरेडी है, तो थ्री टाइम्स सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिख रहा है और इनटू माइनस ऑफ बी बाई ए ये बच रहा है, आर एच एस साइड पे माइनस ऑफ बी क्यूब बाई सी होल पावर फोर ए की पावर फोर और यहां पे सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब आप ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ से रिलेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो जैसे आर एच एस साइड पे डिनोमिनेटर में ए टू द पावर फोर है तो हम यहां भी लिख सकते हैं एलसीएम लेके ए की पावर फोर और फिर आपके पास कंडीशन आ जाएगी। तो इसके आगे और सिंप्लीफाई आप कर लीजिए, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से आपके पास ये कंडीशन ऑन एबीसी आ जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हाँ बस ये जो स्टेप था, अगर हम लोग हाँ हाँ रिलेशन वन पे भी अल्फा की वैल्यू रख देते, जो हमारे पास सबसे पहले एक रिलेशन बना था अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, उसमें भी अगर हम अल्फा की जगह सी बाई ए होल पावर वन बाई थ्री रखेंगे तो वहां से भी मेरे ख्याल से ज्यादा आसानी से आ जाएगा। या फिर जो अभी हम लोग करना स्टार्ट कर रहे थे बिगिनिंग में, कि अगर मैंने ये माइनस ऑफ बी बाई ए इंटू एक्स को एलएचएस पे ना रखा होता, ठीक है, मैंने सी बाई ए को एलएचएस पे रखा होता, तो मेरे ख्याल से ये जो एक दो स्टेप बढ़ गए हैं ये कम हो जाते हैं। हाँ हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है, ओके ठीक है, चलिए हाँ आप सिंप्लीफाई करके आगे लिख लीजिएगा।
चलिए उतना नोट कर लीजिए आप। हाँ मैं हटा दे रहा हूं इतना, आप वो नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha cube minus 3 alpha square plus 2 alpha minus 1 and beta cube minus 3 beta square प्लस 2 बीटा माइनस 1। हाँ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाँ हाँ इसको प्लस 1 कर लीजिए, प्लस, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके आपको ये रूट गिवन है, एक रूट आपको ये गिवन है अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, और दूसरा रूट आपको ये गिवेन है बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। आगे लिखे इफ इक्वेशन इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, इफ इक्वेशन 2x square माइनस ऑफ, हाँ ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं 2x square, एक मिनट 2x square 2 कोफिशियंट हटा देते हैं, x square माइनस ऑफ 2x, x square माइनस ऑफ 2x प्लस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर, हाँ वो देखना पड़ेगा कि रिलेशन हमारे पास, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इफ इक्वेशन दिस हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हाँ अभी करेक्ट है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 एंड बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1। इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हाँ नहीं अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ नहीं थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन करने का मतलब यहां पे ये है कि ये उस तरह का नहीं है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करनी थी तो हम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, क्योंकि आपको दिख ही रहा है ये रूट्स कुछ अलग तरह के हैं, तो उस तरह से तो हम नहीं कर पाएंगे और काफी मुश्किल हमें हो जाएगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आईटी में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, अप्रोच आप देख लो,
कि जब हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने बोला है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। देयरफॉर मैंने क्या किया, अल्फा को इस इक्वेशन में पुट किया, तो यहां से हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0, और अगर हम बीटा रख देते हैं तो बीटा में भी ऐसा रिलेशन मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है कि जो भी हमारे पास ये रूट्स है जो बड़े बड़े क्यूबिक एक्सप्रेशन में दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इन दोनों रिलेशंस का जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक में रख के बनाए हैं इनका यूज कर सकते हैं और फिर हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिविजन का यूज करते हैं, इससे मैं हटा दे रहा हूं पूरा, ठीक है। तो मैंने बोला ये कुछ इस तरह से कि अगर हम जो फर्स्ट वाला रूट है अगर हम इसको डिवाइड कर दें कुछ इस तरह से, डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से कि यहां पे मैंने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 5 और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किसको, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 को, ठीक है। तो यहां पे अगर हम अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, पहले अल्फा मैंने लिया तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 अल्फा, ठीक है, हाँ लॉन्ग डिविजन सबको आते हैं। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यहां माइनस लगा दिया, यहां माइनस लगा दिया, यहां पे प्लस हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, हाँ माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर हो गया, और यहां पे देखिए 2 अल्फा प्लस 5 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 5 अल्फा ये कितना हो जाएगा, 7 अल्फा, 7 अल्फा और प्लस यहां पे 1, ठीक है, इतना बचा। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम यहां पे हमें माइनस 5 अल्फा स्क्वायर हटाना है तो मैं यहां पे माइनस 5 ही लिख लेता हूं, ठीक है। अब अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं ये प्लस 5 लिख देता हूं, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 अल्फा एंड माइनस 25, ठीक है, इसे हमने आपस में ऐड कर लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस 7 17 अल्फा हो जाएगा और ये माइनस में 24 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया रिमाइंडर। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास अल्फा क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 रूट था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 5 टाइम्स अल्फा प्लस 5 और प्लस ये रिमाइंडर 17 अल्फा माइनस 24, ठीक है। तो आप देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 5 इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना कितनी, 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। इसका मतलब है फाइनली बस बचेगा अपने पास ये 17 अल्फा माइनस 24,
ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आई गई होगी कि सिमिलरली जो दूसरा रूट है बीटा वाला उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपके पास रूट्स बहुत ही आसान से फॉर्मेट में दिख रहे हैं और अब आप उस स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं जो आपको लिखाई गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आपने लिखा ये कि हम सेकेंड वाले रूट को भी सिमिलर लिख सकते हैं, तो सेकेंड वाला रूट था हमारे पास कितना, बीटा क्यूब माइनस ऑफ 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1। इसको हम लोगों ने लिख दिया कितना, 17 ऑफ बीटा माइनस 24। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब आपके पास दो रूट्स है, एक रूट ये है आपका, ठीक है, एक रूट ये है और एक रूट ये 17 अल्फा माइनस 24 है। ठीक, तो अब आप देखें, अब आप लिख सकते हो कितना, सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, तो सम ऑफ रूट्स है 17 अल्फा माइनस 24 प्लस 17 बीटा माइनस 24। तो ये हो जाएगा 17 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस में 48। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपने जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 17 अल्फा माइनस 24 इंटू 17 बीटा माइनस 24। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इनका, 17 इंटू 17 289। ठीक है, और इंटू अल्फा बीटा, यहां पे हो जाएगा -24 अल्फा माइनस 24 इधर 17 इंटू दिस माइनस 24, ये कॉमन ही आ जाएगा। हाँ, तो 17 इंटू माइनस का 17 इंटू 24 कॉमन लिया, तो ये बचेगा अपने पास कितना, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और 24 इंटू 24 576। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, 576। ठीक है, ये आ गया। तो अभी आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, बस आपको वैल्यू रखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो फाइनली आपकी इक्वेशन अब बन जाएगी। इक्वेशन कैसे आप लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना है, 17 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 48, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, थोड़ा सा, अच्छा ये बीटा है, ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 289 अल्फा इंटू बीटा माइनस 17 इंटू 24 अल्फा प्लस बीटा प्लस 576। कैलकुलेशन चेक करिएगा, ठीक है, बस, और इक्वल टू जीरो। बस अब यहां आप यहां पे पुट करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो आपको कहां से मिल जाएगी, इक्वेशन से मिल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन आपकी दी हुई थी कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, और आपको अल्फा इंटू बीटा वो मिल जाए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा यहां पे कितना, 2 अपॉन 5। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा सी बाई ए, सी बाई ए के मीनिंग है, नहीं 2 अपॉन 5 क्यों आएगा भाई, ये हटा दो ना। इक्वेशन आपकी क्या थी, इक्वेशन आपकी थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, तो माइनस बी बाई ए का मीनिंग है
माइनस ऑफ टू, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ टू, एल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस टू आएगा, और एल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए, सी बाई ए का मीनिंग है कितना, माइनस ऑफ फाइव। ये वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल हर बार यही अप्रोच आप करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, आप कर लीजिएगा, बाकी आपके असाइनमेंट भी, असाइनमेंट में जो आपको मिला हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बोल देता हूं, आप इसे कल करके मुझे बताएंगे, सेम अप्रोच। तो लिखिए, इफ इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सेम इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, देन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर, आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स है अल्फा क्यूब माइनस ऑफ 9 अल्फा प्लस 11 एंड बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 7 बीटा प्लस 7, ठीक है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आनी है, सेम अप्रोच रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि इन रूट्स को अगर हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख के रखेंगे तो फिर हमें वैल्यूज नहीं मिल पाएंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन में, इससे पहले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया, कि पहले हम इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इस रिलेशन का यूज करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल जीरो, इसके रूट्स है। तो आपको पता ही है कि इतनी पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है और फिर हमारे पास जो रूट्स बचेंगे वो आसान से होंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा वो अलग है और उनका करने का तरीका भी मैं तुम्हें बताता हूं, एक आसान तरीका भी है उनका, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आईआईटी में आएगा तो अच्छा ही आएगा, कई बार काफी आसान भी चलिए आ जाते हैं, हाँ इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, कुछ ऐसे भी इक्वेशंस आपको फॉर्म करने के लिए बोले जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो कंडीशन है अपने पास, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, अल्फा प्लस टू कॉमा बीटा प्लस टू सेकेंड पार्ट है, थ्री अल्फा कॉमा थ्री बीटा थर्ड पार्ट है, अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, फोर्थ है आपका
वन प्लस ऑफ अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, ये रूट्स आपको कैसा है, वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस ऑफ बीटा, ठीक है। और लिख देते हैं फिफ्थ, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, सिक्स्थ पार्ट लिख दिया, यहां पे लिख दे रहा हूं, इससे पहले हटा देता हूं। तो ये सारे आसान है, बट देखो इनमें एक बात भी नोटिस करनी है कि इनमें कुछ खास सा रहता है, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत सारे लोग अगर पहले कभी कुछ ऐसा पढ़ा होगा तो उन्हें याद आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये जितने भी रूट्स गिवन है, ठीक है, वो सारे सिमेट्रिक है। जैसे सिक्स पार्ट में मैंने लिखा ये ए अल्फा प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड रूट है वन अपॉन ए बीटा प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कितने भी पार्ट बन सकते हैं, तो मैंने बोला कि ये रूट्स कैसे हैं, सिमेट्रिक है। जो सिमेट्रिक की मीनिंग अगर आपको बहुत क्लियर है तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्टली आपको वो रूट सिमेट्रिक दिख रहे होंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। कई बार क्या होगा कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा और फिर आपको वो सिमेट्रिक रूट दिखने लगेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम अपनी रेगुलर अप्रोच से ही करते हैं। हमारी रेगुलर अप्रोच क्या थी, हमारी रेगुलर अप्रोच सॉल्यूशन करने की ये थी, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, कि जैसे मुझे ये इन्होंने बोला हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स मुझे पता है, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम सम ऑफ रूट्स निकाल लें, यहां पे अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल सी बाई ए, ठीक है। ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए, निकाल के रखे। अब देखो आपको जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि फर्स्ट पार्ट के रूट्स क्या है, जो इक्वेशन फॉर्म होनी है वो रूट्स है अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू। तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस गिवन रूट्स का सम, तो ये सम हो जाएगा अल्फा प्लस टू प्लस बीटा प्लस टू, ठीक है, इंटू एक्स प्लस गिवन रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा प्लस टू इंटू बीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। तो अभी देखो, अभी तो ये सॉल्व करना काफी आसान है, कोई मुश्किल सी बात नहीं है, है ना। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, इससे हटा दे रहा हूं मैं। आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता था कैसे किया जाता है, आपने रूट्स का सम रखा, रूट्स का प्रोडक्ट रखा उस स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अब आपको बस ये कुछ वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल कैलकुलेशन है, और आपका आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे ये टर्म बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस फोर, और अल्फा प्लस बीटा की ये कितना आप लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी बाई ए, और टू प्लस टू कितना हो जाएगा फोर इंटू एक्स, प्लस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू का प्रोडक्ट, तो यहां पे कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, लिख दूं क्या, चलिए लिख देता हूं पहले, यहां पे आएगा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट आया प्लस टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये सम आएगा, और प्लस ऑफ फोर इक्वल टू जीरो। अभी वैल्यू रख देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, यहां पे ब्रैकेट में एज इट इज मैंने माइनस बी बाई ए प्लस फोर इंटू एक्स लिखे रहने दिया, यहां पे अल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना है सी बाई ए, प्लस ऑफ टू टाइम्स माइनस बी बाई ए, और प्लस ऑफ फोर इक्वल टू जीरो। तो अभी देखो आपके पास जो रिलेशन मिल रहा है वो आपका रिक्वायर्ड रिलेशन होगा, बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कि जैसे यहां पे हमें एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, एलसीएम कितना है अपने पास ए है, ठीक है, तो ए एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास कितना ए एक्स स्क्वायर माइनस
यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस बी प्लस फोर ए इंटू एक्स प्लस ऑफ ये हुआ सी माइनस ऑफ टू बी प्लस ऑफ फोर ए, ठीक है, इक्वल टू जीरो। फाइनली अपने पास ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये सारा कुछ मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ यहां पे बी एक्स आ जाएगा, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस बी इंटू एक्स और माइनस ऑफ फोर ए एक्स, ठीक है, ये पार्ट हो गया, और प्लस ऑफ फोर ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो लास्ट जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आपको ऐसे दिख रही होगी, जो आपका फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह दिख रहा है। फाइनल आंसर आपका ये दिख रहा है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स बी माइनस फोर ए प्लस फोर ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल अप्रोच थी, रेगुलर वे था। अब देखो जो मैंने नाम लिया था कि ये सिमेट्रिक रूट है, तो सिमेट्रिक रूट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर देखना ये चीजें हमें कितनी आसान लगने लगेंगी। कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन का कोई क्वेश्चन दिया गया है और आप सिमेट्रिक रूट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक रूट्स को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये टर्म आपको थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं, सिमेट्रिक रूट्स, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक रूट्स के मीनिंग सिंपल से ये होते हैं, मतलब अगर आसान सी लैंग्वेज में ये बोले कि कोई भी ऐसे रूट्स सिमेट्रिक रूट्स कहलाते हैं अगर हम उनको एक सिंगल पैरामीटर से एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है। सिंगल पैरामीटर का मतलब है कि उन रूट्स को हम किसी ऐसे वेरिएबल से दिखा सके जिससे दोनों ही रूट या जितने भी रूट गिवेन हो वो बन जाया करें, ठीक है, एक ही सिंगल वेरिएबल से, ठीक। तो आप ये डेफिनेशन या कुछ जो भी नोट है ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि रूट्स आर सेट टू बी सिमेट्रिक, रूट्स आर सेट टू बी सिमेट्रिक इफ दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब वेरिएबल, ठीक है। रूट्स आर सेड टू बी सिमेट्रिक इफ दे कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल पैरामीटर, ठीक है। तो जैसे मैंने यूं लिख दिया कि हमारा ये रूट है कुछ अल्फा प्लस वन और अगला है ये बीटा प्लस वन, तो हम इन्हें सिमेट्रिक बोल रहे थे। तो ये सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि हम इन रूट्स को सिंगल पैरामीटर सम टी प्लस वन के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहां पे टी हमारा पैरामीटर है, जहां पे टी हमारा पैरामीटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग टी की जगह पे अल्फा रख देंगे तो फर्स्ट रूट बन जाएगा, और अगर हम टी की जगह पे बीटा रख देंगे तो सेकेंड रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रूट्स बोलते हैं, ठीक। तो बस आपको ऐसे ही यही पहचानना है, ऐसे कितने भी सिमेट्रिक रूट्स आपको दिए जा सकते हैं। तो अगर सिमेट्रिक रूट आपने आइडेंटिफाई कर लिया देन इक्वेशन फॉर्म करना काफी आसान हो जाएगा, सिंपल सा ट्रिकी वे आपके पास एक रहेगा, ठीक है। सिमेट्रिक के मीनिंग आपको क्लियर हो गए, और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं
कि हमारे पास अगर दो रूट्स गिवन है और हम उन्हें सिमेट्रिक बोल रहे हैं तो वो तभी सिमेट्रिक होंगे अगर जैसे रूट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा है, तो हम अल्फा और बीटा को आपस में अगर इंटरचेंज करें, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद रूट्स हमें फिर से वापस मिल जाए, यानी रूट्स चेंज नहीं होने चाहिए, तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने यूं दिया हुआ है, वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, और सेकेंड रूट है वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा। तो अगर हम यहां पे अल्फा और बीटा को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने के बाद भी देखो ये बन जाएगा वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा, और ये बन जाएगा वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। तो रूट्स अभी फिर से वापस वही आ गए, यानी रूट्स चेंज नहीं हुए अल्फा बीटा को इंटरचेंज करने से, तो ये कैसे है? सिमेट्रिक रूट्स है। ठीक है, कितने भी आप लिख सकते हो, जैसे मेरे पास ये रूट्स गिवन थे अल्फा क्यूब प्लस अल्फा, बीटा क्यूब प्लस बीटा, गामा क्यूब प्लस गामा, तो इनको सिमेट्रिक बोल सकते हैं क्योंकि मैं इन्हें सिंगल पैरामीटर टी क्यूब प्लस टी के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? ये है सिमेट्रिक रूट्स, सिमेट्रिक रूट्स है। बात समझ में आई रही होगी कि बस हमें करना क्या है कि टी की जगह पे एक बार अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा लिखना है और हमारे तीनों ही रूट मिल जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो रूट्स कैसे हैं? सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो अगर हमने जैसे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि रूट्स सिमेट्रिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना बिल्कुल आसान हो गया, फिर मुझे वो रेगुलर वे से जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है उसी को वापस से देख लेते हैं कि जैसे हमारे रूट्स क्या थे, हमारे रूट्स थे अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक रूट है हमें पता चल गया, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका है इक्वेशन फॉर्मेशन का कि इन दोनों में से कोई एक रूट को हम पैरामीटर टी के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, हमने लेट कर लिया अल्फा प्लस टू इक्वल टू पैरामीटर टी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सिंगल पैरामीटर से हम सिमेट्रिक रूट को दिखाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। यहां से हम देखो अल्फा की वैल्यू अगर निकाले इन टर्म्स ऑफ टी, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी माइनस टू। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आप एक बात याद करो कि आपको इक्वेशन में, क्वेश्चन में बिगिनिंग में ही बोला गया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अगर अल्फा और बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स है तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना? कहने का मतलब ये है कि अगर हम x की जगह पे अल्फा रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा जो गिवन इक्वेशन है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली। ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने लिख दिया कि अगर ऐसा था तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, हमने पुट किया x इक्वल टू अल्फा कहां पे? इन दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस इक्वेशन का रूट एक क्या है? अल्फा है। तो हमारे पास जो एक रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा, a अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ b अल्फा प्लस c इक्वल टू जीरो। अब देखो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है? t माइनस टू। तो जहां जहां पे अल्फा है वहां मैंने t माइनस टू रख दिया, तो ये t माइनस टू होल स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स यहां पे t माइनस टू और प्लस ऑफ c, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फाइनली देखो यहां पे आ जाएगा a टाइम्स, और इसको ओपन कर दिया मैंने, तो t स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर, यहां पे आ जाएगा 4t माइनस 8 और प्लस c इक्वल टू जीरो। फाइनली ये हो जाएगा अपने पास 8t स्क्वायर माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 480
माइनस ऑफ 480 प्लस 4a, ठीक है, 80 स्क्वायर माइनस 480 प्लस 4a प्लस 40 माइनस 8 प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। तो फाइनल अपने पास यहां से एक रिलेशन मिलेगा, वो एग्जैक्टली वही रिलेशन होगा जो हम लोगों ने इससे पहले बनाया हुआ था, ठीक है। इसे आप और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, t वाले टर्म एक साथ लिख सकते हैं, कैलकुलेशन बस चेक करते रहिए। हाँ अच्छा, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूं। यहां पे t माइनस 2 रखा है हमने, अच्छा ये 4 नहीं b है, ओके ये b है, ये b है। तो फर्स्ट है a टाइम्स t स्क्वायर माइनस 480 प्लस 4a, इतना आ गया, ये 4 नहीं था b था, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना bt, और ये माइनस में 2b, bt माइनस 2b, आप वापस लिख लो bt माइनस 2b प्लस c, यहां पे bt है, bt और ये 2b, ठीक है, इतना। तो जैसे इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो वही इक्वेशन मिल जाएगी जो पहले मिली थी, ठीक है। हाँ तो अभी बिल्कुल आसान है, जब भी आपको सिमेट्रिक रूट दिए जाएंगे आप बिल्कुल इस तरह का रिप्लेसमेंट कर सकते हो। हाँ अभी कोई जरूरत नहीं है हमें उस तरह से करने का कि हम सम ऑफ रूट निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले, है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके ठीक है। तो अब जितने भी और भी पार्ट गिवन है वो सारे पार्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ जितने भी हम लोगों ने दिए हैं, जितने भी आपको सिमेट्रिक दिख रहे हैं वो तो आप ऐसे ही अब करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जो सिमेट्रिक नहीं है उनको करने के लिए अपने पास जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया वो तरीके हैं, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करके अगर हम आसानी से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिमेट्रिक है तो फिर आपका सबसे अच्छा तरीका यही है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, कि अगर सिमेट्रिक रूट है तो आपकी अप्रोच कुछ ऐसी हमेशा रहेगी, ठीक है। जैसे आपके सेकंड पार्ट में जो भी, चलो सेकंड पार्ट है जो भी पार्ट था, कुछ अगर रूट्स ये दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं कुछ 3 अल्फा एंड 3 बीटा, ठीक है, ये रूट है, तो आपको दिख रहा है कि ये रूट्स कैसे हैं, सिमेट्रिक है, साफ दिख गया, डायरेक्टली समझ में आ गया, रूट्स हैं आपके सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रूट्स गिवन है। देन अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपकी अप्रोच क्या है कि इन दोनों में से कोई एक, लेट आपने 3 अल्फा इक्वल टी कर लिया, लेट, ठीक है, यहां से आप अल्फा इन टर्म्स ऑफ टी निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी बाई थ्री, ठीक है। अब आपको पता है कि अल्फा इज रूट ऑफ, अल्फा इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से हमारे पास रिलेशन कौन सा मिलता है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। बस यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे पुट कर देना है अल्फा की वैल्यू कितनी, टी बाई थ्री, ठीक है। जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू टी बाई थ्री पुट करते हो तो आपको एक पूरा रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टी एंड एबीसी ऐसा मिलेगा, ठीक है। हाँ फाइनली देखो, फाइनल आपको कहां तक हर बार जाना रहेगा, जो आपके आंसर्स या ऑप्शंस में दिखेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये आपने पुट कर दिया तो आप बोल रहे हो कि ये a टाइम्स और अल्फा की जगह t बाई थ्री, तो यहां कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 9 प्लस यहां पे b अल्फा था तो b इंटू टी बाई थ्री और प्लस ऑफ c इक्वल टू जीरो। एक स्टेप और कैलकुलेट किया, एलसीएम ले लिया आपने 9, तो यहां पे आ जाएगा कितना, 80 स्क्वायर प्लस ऑफ ये हो जाएगा 3 टाइम्स बी टी प्लस 9 सी इक्वल टू 0, ये बन गया। अब बस आपको फाइनल क्या करना है, फाइनली
फाइनली आपको टी की जगह रिप्लेस कर देना है एक्स, ठीक है, जहां टी है वहां क्या रखना है एक्स। तो अब आपका आंसर आपको मिल जाएगा जो ऑप्शंस में दिखा करेगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 3bx प्लस ऑफ 9c इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो किसी भी आपके पास जो भी सिमेट्रिक रूट का इक्वेशन आपको सिमेट्रिक रूट का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप हर बार यही अप्रोच करोगे, ठीक है, दोनों में से किसी भी एक रूट को आप टी के इक्वल लेट कर लोगे, जो भी पैरामीटर आप मानो, मैंने टी लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ते, ठीक है, आप उस पैरामीटर के इक्वल लेट कर लेंगे किसी भी एक रूट को, और फिर जैसे मैंने यहां पे किया है कि अल्फा को इन टर्म्स ऑफ टी निकाल लिया है, फिर क्वेश्चन में गिवन था अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो मैंने अल्फा को सेटिस्फाई करा दिया, जिससे हमें एक रिलेशन मिल जा रहा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो अल्फा की वैल्यू मेरे पास है टी बाई थ्री, तो मैंने जहां जहां इक्वेशन में दिख रहा है अल्फा वहां पे टी बाई थ्री पुट कर दिया और देन सिंप्लीफाई कर लिया। फाइनल आंसर मुझे अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है, तो मैं फिर से उस पैरामीटर टी को किसमें वेरिएबल एक्स से रिप्लेस कर दे रहा हूं, ठीक है, ओके ओके। चलिए तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने कुछ पांच या छह पार्ट मैंने दिए थे वो सारे सिमेट्रिक रूट्स के ही हैं। आप थोड़ा सा अप्रोच करेंगे जैसा भी आपको समझाया गया है, आप उस तरह ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ कोई डाउट रहता है तो आप डाउट्स में वो सारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये भी बताया ना मैंने, ये हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ ये आसान है थोड़े से, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है सिमेट्रिक रूट वाला तो ये मेंस जैसे एग्जाम में आ जाएंगे। जो हम लोगों ने वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स जो थे, बड़े बड़े रूट्स के फॉर्म लिखे थे, अल्फा क्यूब माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर इस तरह के, तो वो एडवांस वाले पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, ठीक, ओके।